आज के इस वीडियो में हम शिक्षक डायरी भरना सीखेंगे। आप देखें यहाँ शिक्षक का नाम भरना है, फिर कार्यरत विद्यालय और विद्यालय का UDIS कोड। आप देखें जहाँ हमें भरना है अध्यापक का संक्षिप्त परिचय, यहाँ अध्यापक की स्वयं की फोटो लगानी है, फिर शिक्षक का नाम, मानव संपदा यूनिक कोड, अस्थायी पता, स्थानीय पता, दूरभाष व मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उच्चतम शिक्षा का विवरण, कुल कार्य अनुभव वर्षों व महीनों में, वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात हो तो, रुचि, हावी, आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष मोबाइल नंबर, बच्चों के खिलते चेहरे। यहाँ देखें शिक्षकों से अपील की गई है, ये प्रेरणा तालिका दिया गया है, आपके उदाहरण स्वरूप दिया गया है, आप इसको पढ़ें। प्रेरणा लक्ष्य, इस प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर हम प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जिला और प्रेरक मंडल तथा प्रेरक प्रदेश घोषित करेंगे। यह बच्चियां यहाँ आत्मनिर्भरता की तरफ, यहाँ आप देख रहे हैं शिक्षण योजना एक दृष्टि में यहाँ कुल 12 पेज दिए गए हैं, 12 और किसी किसी में 13 पेज है। यह हर महीने के लिए एक पेज यहाँ यूज किया जाएगा। और यहाँ देखें जैसे यह पेज अगर हम सितंबर माह के लिए प्रयोग करते हैं तो यहाँ सितंबर हो जाएगा। और यहाँ देखें ये पूरा हर कॉलम में सितंबर है, सितंबर। और यहाँ संख्या, सप्ताह की संख्या लिखी है, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, और यहाँ देखें तीसरा, इस तरह चौथा। फिर इसमें देखें कक्षा, इस सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में आप किस कक्षा को, माने कक्षा अगर प्राथमिक स्तर है तो 1 से 5 तक, कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, यह हो जाएगा। और 1 में कौन सा विषय पढ़ाएंगे, यहाँ विषय भरना है हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जो भी विषय है आपको किसी कक्षा में भरना है। इसमें चयनित पाठ, संख्या व नाम, संख्या जैसे पाठ 1 पढ़ा रहे हैं तो उसका नाम क्या है, उसका नाम भर देंगे यहाँ। और इसके लिए देखें इसमें लिखा है कि अनुमानित कालांशों की संख्या, अगर पाठ 1 6 दिन में खत्म हो रहा है तो केवल पाठ 1 वो रहेगा, अगर उसमें 4 दिन में खत्म हो रहा है तो दूसरे पाठ का नाम भी यहाँ दिया जाएगा, उसकी अनुमानित संख्या लिख दी जाएगी। इसका भरा हुआ प्रारूप आगे हम आपको दिखा रहे हैं और बातें वहाँ और स्पष्ट हो जाएंगी। इस तरह से 12 महीनों के लिए 12 दिया गया है। आगे देखें, यहाँ देखें शिक्षक डायरी का उद्देश्य क्या है, योजना बनाने में, दस्तावेजीकरण में, समीक्षा करने में, सपोर्टिव सुपरविजन में, यह भाग भी आपको भरना है। विद्यालय का जो रिपोर्ट कार्ड है, विद्यालय के UDIS कोड, प्रधानाध्यापक का नाम, विकास खंड, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर, विद्यालय की रेटिंग क्या है इसको भर देना है। और आगे देखें शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण दिया गया है। शिक्षण योजना आप बहुत पहले से बना रहे हैं, आप लोगों ने अब तक काफी शिक्षण योजना बना लिया है, तो इस प्रारूप दिया है, प्लेन प्रारूप है। और आगे की जो शिक्षण योजना दी गई है, यहाँ देखें प्रिंट रिच वातावरण है, और ये शिक्षण योजना के 2 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। शिक्षण योजना के उदाहरण के बाद हम लोग यहाँ देखें TLM के प्रयोग के लिए दिया गया है। शिक्षण योजना, यहाँ ये दैनिक शिक्षण योजना है, इसमें 1 दिन में यह भाग भरना है, यानी 1 पेज यहाँ से यहाँ तक है, तो इस पेज में 2 भाग किया गया है, देखें 20 से 2 भाग है, तो आधे भाग में 1 दिन के लिए है, आधा भाग दूसरे दिन के लिए, माने दूसरे दिन के लिए है। इस तरह से 1 पेज पर 2 दिन की विवरण भरा जाएगा, और 1 सप्ताह में यानी 6 दिन में कुल 3 पेज लगेंगे। ये देखें 3 पेज के बाद शिक्षक के हस्ताक्षर, तो आप इसको कैसे भरेंगे, यह बात हम आगे उदाहरण दिए हैं। शिक्षण योजना एक दृष्टि में आप देखें, यह सितंबर माह का भरा हुआ है, यह पूरा इस कॉलम में, इसमें इसमें सब सितंबर माह का है, 1 पेज पूरे सितंबर माह के लिए है, यह सप्ताह के लिए, यह प्रथम सप्ताह, यह द्वितीय सप्ताह, यह तृतीय सप्ताह, यह चतुर्थ सप्ताह। फिर इसमें देखें कक्षा, प्रथम सप्ताह का हम पूरा भर रहे हैं, इसको ध्यान से देखें, प्रथम सप्ताह में आप कक्षा 1 में हिंदी पढ़ा रहे हैं, और पाठ जो पढ़ाएंगे मेरा देश, इसमें लिखा है चयनित पाठ, संख्या व नाम, संख्या 1 हो गई और मेरा देश ये पाठ का नाम हो गया। फिर इसमें लिखा है कि अनुमानित कालांश कितने होंगे, तो ये पहला पाठ है, इसमें 6 कालांश आप, इसी तरह से देखें कक्षा 2 में आप हिंदी पढ़ाएंगे और 6 दिन पढ़ाना है, पास, पड़ोस और बया चिड़िया, तो पास पड़ोस पाठ संख्या इसके 2 है, बया चिड़िया के पाठ संख्या 3 है, 3 शिक्षण योजना पास पड़ोस पर और 3 शिक्षण योजना हम बया चिड़िया पर बनाएंगे।
इसी तरह से देखें कक्षा तीन में जब आप पढ़ाएंगे गणित, मान लीजिए आपका गणित लगा हुआ है, यहाँ पाठ संख्या एक है और संख्याओं का घर है, इसमें 6 शिक्षण योजना आप बना रहे हैं। इसी तरह से कक्षा पाँच में मान लीजिए आप चार में नहीं लगा है तो आप कक्षा पाँच में गणित पढ़ा रहे हैं, संख्याएं जिसका पाठ संख्या एक है 6 शिक्षण योजना बनेगी। और कक्षा पाँच में सामाजिक विषय वन्य जीवों का संरक्षण, ये छठा पाठ का नाम है और इसमें 6 शिक्षण योजना बनेगी। इस तरह से ये द्वितीय सप्ताह का भी आप पूरा करेंगे, जिस जिस में लगा हुआ है उसका पूरा भरेंगे, तृतीय सप्ताह के लिए भरेंगे, चतुर्थ सप्ताह के लिए भरेंगे, और इसमें कब से कब है इसको भर देंगे। अगला जो भाग हमारा आता है जिसके लिए आपको हमने कहा कि अगले भाग में बताएंगे, ये भाग शिक्षण योजना का है। तो शिक्षण योजना में आप देख रहे हैं और यह एक पेज दो भागों में बटा है, तो एक दिन का इस वाले भाग में और दूसरे दिन में उसके नीचे वाले भाग में भरेंगे। यहाँ देखें हम कक्षा एक में हिंदी पढ़ा रहे हैं तो लर्निंग आउटकम क्या है, कविता सुना लेता है बच्चा और पाठ का नाम है मेरा देश। हम लर्निंग आउटकम लिखेंगे और उसका पाठ का नाम, लर्निंग आउटकम हो गया कविता सुना लेता है और मेरा देश पाठ का नाम हो गया। इसी तरह से कक्षा दो में देखें आप परिवेश से जुड़ना लर्निंग आउटकम है और पास पड़ोस पाठ का नाम है। कक्षा तीन में गणित आप पढ़ा रहे हैं, संख्या, संख्या सिखाना बनाना हम सिखाएंगे बच्चों को और पाठ का नाम है संख्याओं का घर। कक्षा पाँच में हमारा जो लर्निंग आउटकम है लाख तक की संख्या सिखाना और पाठ का नाम है संख्याएं। इसी तरह से कक्षा पाँच में सामाजिक विषय आप पढ़ा रहे हैं, लर्निंग आउटकम विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीव जंतु और पाठ का नाम है वन्य जीवों का संरक्षण, यानी इसमें लर्निंग आउटकम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है। इस तरह से आप पाठ का नाम, लर्निंग आउटकम और पाठ का नाम लिख लेंगे। अब इस भाग में आए, यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियाँ संक्षिप्त विवरण। आप जानते हैं कि ध्यान आकर्षण में 18 विधियाँ दी गई, उनमें से कोई विधि आप लिखेंगे। हाँ, जैसे इसको पढ़ाने के लिए आप कहानी के माध्यम से पहले देश के विषय में सुनाते हैं, उसका रोचक प्रस्तावना निकालते हैं, समूह में कार्य कराते हैं और फिर इसी में दिया है अनुमानित कालांशों की संख्या। इस लर्निंग आउटकम में माने कविता सुनाने की लर्निंग आउटकम में कितना कालांश लगेगा, तो इसमें 3 कालांश लगेगा। और इसमें आगे दिया है कि गृह कार्य आप देंगे तो कविता बच्चा सुनाएगा गृह कार्य में। तो देखें फिर आप अगला, अगर हम इसको और स्पष्ट करते हैं, परिवेश से जुड़ना, हिंदी कक्षा दो में हिंदी पढ़ा रहे हैं परिवेश से जुड़ना, तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि कौन सी विधि अपना रहे हैं, जोड़ी में कार्य करा रहे हैं, पर्यटन भी ले जा रहे हैं और इसको कितने शिक्षण योजना में 3 और इसको अपने आस पास पर घर पर चर्चा करेगा बच्चा, ये गृह कार्य हो जाएगा। यहाँ देखें ये गणित कक्षा 3 में जो आप पढ़ा रहे हैं संख्या, संख्याओं का घर, समूह में कार्य, इसके लिए गतिविधि हो गई समूह में कार्य तथा 2 शिक्षण योजना और अभ्यास गृह कार्य जो देंगे, अभ्यास में जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 करके आना है। इसी तरह से यहाँ देखें कक्षा 5 में गणित में जो आप पढ़ा रहे हैं जोड़ी में कार्य करना, कक्षा में 2 शिक्षण योजना बनाना है और गृह कार्य आप देंगे अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 करके आएगा। इसी तरह से अब देखें इस भाग में समूह कार्य जो विधि अपना रहे हैं समूह कार्य द्वारा होगा, शिक्षण योजना इस विलुप्त और संकटग्रस्त प्राणी को जानने के लिए शिक्षण योजना की संख्या 1 होगी इसमें 1 और सूची बनाएगा बच्चा गृह कार्य में कि वो विलुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त प्राणी की। तो इस वाले भाग में 3 भाग देना है हमें, 3 भाग क्या देना है कि माने कौन सी गतिविधि आप अपना रहे हैं, ध्यानाकर्षण के 18 तकनीक से लेंगे, फिर इसमें दिया कितनी शिक्षण योजना इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में आप प्राप्त कर रहे हैं इसको दे देंगे संख्या और अगला देंगे गृह कार्य, 3 कार्य इसमें देंगे
और फिर देखें आप सबके पश्चात है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, शिक्षक इसमें जो आई हुई समस्या को लिख, आप देखें ये जूनियर स्तर का है, जूनियर स्तर में वही कार्य, ये सितंबर माह का पूरा पेज है और ये देखें प्रथम सप्ताह है, कक्षा छः में गणित, सात में गणित, आठ में गणित, सात छः में विज्ञान, सात में विज्ञान, आठ में विज्ञान, क्या आप पढ़ा रहे हैं। कक्षा छः में प्राकृतिक संख्या जिसके लिए अनुमानित आपका जो कालांश होगा पाँच, कक्षा सात में गणित में घातांक अनुमानित संख्या चार, परिमेय संख्या आठ में पढ़ा रहे हैं अनुमानित संख्या छः, और इसमें यहाँ देखें आपका हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक। इस लर्निंग आउटकम को आप देखें शिक्षण योजना कैसे बनाया गया, यहाँ माह लिख दिया आपने सितंबर, सप्ताह एक, एक से लेकर के छः तारीख तक। फिर गणित में आप देखें गणित कक्षा छः में संख्या एवं संख्यांक पढ़ा रहे हैं, यह लर्निंग आउटकम संख्या एवं संख्यांक, पाठ का नाम प्राकृतिक संख्या। इस वाले भाग में देखें हमें तीन कार्य देना है कि कौन सी गतिविधि अपना रहे हैं, तो रोचक प्रस्तावना और समूह में कार्य, कितने इस लर्निंग आउटकम को माने संख्या एवं संख्या पहचानने के लिए कितनी कितनी आप इसमें शिक्षण योजना प्रयोग करेंगे एक, और गृह कार्य क्या दे रहे हैं जो प्रश्नावली है उसमें वन ए लगाएंगे। अब आइए कक्षा सात में देखें गणित आप पढ़ा रहे हैं, ये लर्निंग आउटकम क्या बनाए हैं, आधार एवं घातांक और पाठ का नाम है घातांक, तो इसमें इसमें तीन कार्य, प्रथम कार्य जो आपको करना है कौन सी विधि, रोचक प्रस्तावना, जोड़ी में कार्य, संख्या कितनी लगेगी तीन, और गृह कार्य इसको आप दिया गया है। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे होंगे इस वाले भाग में हमें दो कार्य करना है कि आप लर्निंग आउटकम और पाठ का नाम लिखेंगे, तो हमने ऊपर एक कॉलम में लर्निंग आउटकम, नीचे पाठ का नाम। दूसरा इस वाले भाग में तीन काम लिखना है कि कौन सी गतिविधि अपना रहे हैं और उस गतिविधि के लिए कितना आपको शिक्षण योजना लगेगा, और फिर गृह कार्य, और यहाँ इस पेज पर देखें आप कि अंत में आप उसका लिखते हैं क्या समस्या आ रही है। घातांक में समय और चाहिए, विज्ञान के चरण सिखाने में अभ्यास कराना है, इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी शिक्षक डायरी भर सकते। धन्यवाद।